नमस्कार, मी हुमा सय्यद, माय टीव्ही मराठी 24 तास मध्ये आपलं स्वागत आहे. पैशाच्या कारणावरून कोयत्यांनी सपसप वार करण्यात आले. 4 ते 5 टोलक्याकडून एकाच कोयता आणि रॉडने जबरन मारहाण आमिर हमीद शेख यांच्यावर पाथर्डी संस्कार भवन माणिक दवंडी रोड या ठिकाणी कोयत्याने प्राणघात हल्ला करण्यात आला. अहमदनगर सिव्हिल हॉस्पिटल या ठिकाणी उपचार सुरू आहे. मेरा नाम आमिर शेख, मैं प्रॉपर पाथर्डी का रहने वाला हूँ. मेरे साथ जो घटना हुई है वो मुजाहिद सैयद, उसके अम्मी, एक्चुअली नाम नहीं पता, उसके बाद में उसके और 3-4 साथीदार, ये सब लोगों ने मिलके मेरे को मीठा मिट्टी के हिसाब से बुलाया. मुजाहिद सैयद के अम्मी ने मेरे को मीठा मिट्टी के हिसाब से बुला के बेटा फोन लगाए मेरे को. बेटा बोली, बेटा आ इधर, वो मीठा मिट्टी करेंगे जो है तुम्हारा पहला जो मसला है वो. तो थोड़ा पैसे के ऊपर से मैटर था, मेरे को पैसा लेना था उनसे. समय एक हिसाब से अपने दोस्त के हिसाब से पैसे दिया था, तो वो पैसे तो नहीं दिया उसने. मतलब उसके ऊपर से जो वार भी करा, कोयते से मारा, सिर पे कोयते से मारा. उसके अम्मी ने भी मारे, उसके अम्मी के हाथ में पत्थर था और जो अन्य 4-5 जन थे उनके पास रोड थे. कोयते से वार करा मुजाहिद सैयद ने, उसके अम्मी ने पत्थर से मारे, पत्थर से भी मारे, हाथ पे मारे, सिर पे कोयते से वार करे, ये हाथ पे कोयते से वार करे. कहाँ पे हुई घटना? ये घटना माणिक दवंडी चौक में, संस्कार भवन के पास माणिक दवंडी चौक में. मेरा नाम दानिश सैयद, मैं बार भी प्राण घाता करना हुआ है. वो मेरे खाला का लड़का है, मतलब मेरा भाई है. और अक्सर मैं वहाँ से गुजर रहा था माणिक डोंडी चौकी से, पाथड़ी पे से लेके आया. तो माणिक डोंडी चौकी से मैं जा रहा था, तो वहाँ पे मेरा भाई अमीर शेख, इसको इसके ऊपर जो सैयद और उसकी अम्मी, ऐसे कोई 2-4 जन उनको मार रहे थे. जब मैं बीच में गया तब देखा तो एक के हाथ में कोयता था और एक के हाथ में खुला रॉड थी और बंदूक भी थी, शायद वो छुपा रही थी. फिर बाद में मैं पूछा क्या हुआ, तो बोले आमिर भैया ने मेरे को बोला कि कुछ पैसे गई था, तो मेरे को प्यार से भी उठाने के बहाने से उन्होंने वहाँ पर बुलाए, उसके अम्मी ने बेटे बेटे करके मेरे को वहाँ पर बुलाए. तो बोला ठीक है. फिर बोले उन्होंने क्या किया, मेरे को मैं वहाँ पर गया और जाने के बाद में वो फुल तैयारी के साथ में आए थे. उसने मुजाहिद सैयद ने पीछे कोयता पकड़ा था और एक हाथ में रॉड था, तो पीछे उसने छुपा कर रखा था. और जैसे ही मैं गया तो उसने कोयता मारा, तो कोयता मारने को मेरे बचाव के लिए मैंने उसको हाथ बीच में डाला, तो मेरी उंगली कट गई और उसके हाथ में से. फिर बाद में वो सब मिला के 4-5 जन थे शायद, तब वो मुझे नाम नहीं बताऊँगे. तो उन्होंने क्या किया, उसके हाथ में से वो कोयता छीन के लिया और उसके हाथ में रॉड दिया, और रॉड दे के उसने फिर आमिर हमीद शेख के सिर के ऊपर मारा, तो वहाँ भी उसको काफ़ी चोट लगी है. और उसकी अम्मी ने भी उसको कस के पकड़ा था और उसे कुछ हलचल करके नहीं आई. और जो वहाँ पर जो आमिर हमीद शेख की जो गलत जगह है वहाँ पर उसने बहुत देर तक पकड़ के रखा था, इसकी वजह से उसको कुछ हलचल करके नहीं. इस प्रशासन का ये भी नहीं, और मैं यही करता हूँ, पुलिस प्रशासन से यही बोलता हूँ कि हमें न्याय मिले.